तो गाइस ब्लैक एडम का सेकंड ट्रेलर आया है और चलिए करते हैं इसका रिएक्शन और देखते हैं ट्रेलर में इस बार क्या दिखाया गया है। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस मूवीज के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए कुर्बान हो गया। ये शक्तियां तोहफा नहीं बल्कि श्राप है जो जन्मी है क्रोध से। सोए मत दिया। इस जानवर को पिंजरे में डालना पड़ेगा इससे पहले कि यह मासूमों को नुकसान पहुंचाए। वो 5,000 सालों से गहरी नींद सो रहा है। आप वो पिंजरा ढूंढिए जो इसे संभाल सके, बाकी सब हम देख लेंगे। टीम में कौन कौन है? मैं पासपोर्ट तो लाया नहीं। पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, हम जस्टिस सोसाइटी है। ब्लैक एडम, हम तुम्हारे शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण के बारे में बात करने आए हैं। ना मैं शांति प्रिय हूं, ना ही आत्मसमर्पण करता हूं। ये होना ही था। मैं किसी के आगे नहीं झुकता। इस साल तुम यहां इंसाफ की तलाश में नहीं आए, तुम सिर्फ बदला लेने आए हो। मैंने कभी हीरो होने का दावा नहीं किया। तुम्हें लगता है कि तुम हीरो नहीं हो, पर मुकद्दर कभी गलतियां नहीं करता। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस दुनिया के विनाशक बनो या इसके रक्षक बनो। ब्लैक एडम इस अक्टूबर सिर्फ सिनेमा घरों में। जबरदस्त ट्रेलर रहा, जबरदस्त ट्रेलर है, बहुत बढ़िया ट्रेलर है ये बाबा। तो गाइस ट्रेलर देखे तो मजा आ गया, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, एकदम अमेजिंग, फुल एक्शन एडवेंचर और सुपर पावर से भरपूर। और मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि ये अपना जो दारोक है जिसमें इसमें दिखाया गया ये 5,000 साल से कैद थे, उसके बाद जो शायद किसी तरीके से बाहर आए होंगे, जिसके बाद जो इसे दोबारा पकड़ना चाह रहे हैं, जिसमें जो अपने बच्चे का जो उनके कुर्बान हुए थे शुरू में बताया उसका बदला लेना चाह रहे हैं बीवी बच्चे का। तो गाइस आप लोग बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग मूवी वेब सीरीज के ट्रेलर रिएक्शन रिव्यूज़ के लिए। धन्यवाद।